कंस जो है देवकी वसुदेव जी से क्षमा मांगता हुआ इन्हें कारागार से मुक्त कर देता है। और जब एक कारागार से मुक्त हुए तो अपने नगर में रहने लगे। यहाँ कंस को लेकिन चिंता बनी हुई है क्योंकि उस देवी ने कहा है कि तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। तो कंस ने अपने सेवकों से कहा कि 10 दिन के अंदर जितने बच्चों का जन्म हुआ है सबको जाकर के मार दो। मथुरा में, गोकुल में, ब्रज में, वृंदावन में, जहां जहां आप देखें 10 दिन के अंदर जो भी बच्चा जन्म लिया उसको मार दिया जाए, ये मेरा आदेश है। और कंस के इस आदेश का उसके सभी सेवक गण पालन करते हुए सब बच्चों को मारने लगे। इसी क्रम में कुछ और 2-4 दिन का जब समय बीत गया, 6वें दिन यहां से कंस पूतना को भेजता है कि पूतना जाकर के गोकुल में मेरा शत्रु जो जन्म ले चुका है उसे तुम मारो। पूतना जो अपने स्तनों में विष लगा करके और गोकुल में पहुंच गई। वहां गोकुल में उसने बड़ा सुंदर रूप धारण किया, इतनी सुंदर लगने लगी कि उसकी सुंदरता की कौन व्याख्या कर सकता है। और सुंदर रूप धारण करके वह पूतना गोकुल में प्रवेश करती है। उसके अद्वितीय सौंदर्य को देख करके समस्त गोकुलवासी देखते ही रह जाते हैं कि ये देवी कौन है, कहां से आई है, लगता है स्वर्ग से आ गई क्या। नंद बाबा के घर की ओर जा रही है, कोई उससे कुछ नहीं कह रहा है, बस उसे देख रहे हैं सब। वह चलते चलते नंद बाबा के घर में प्रवेश कर गई। भगवान श्री कृष्ण 6 दिन के थे, पालने में पड़े हुए थे। भगवान समझ गए कि पूतना जी आ रही हैं, अब इनका भी हमें स्वागत करना है। मन ही मन प्रभु मुस्कुराए। और इसके बाद यशोदा रोहिणी देखती ही रह गई कि ये देवी कहां से कैसे आई है। और वह जल्दी से जाकर के पालने में पड़े हुए भगवान श्री कृष्ण को अपने गोदी में उठा लिया। उसका इतना सुंदर सौंदर्य था, राक्षसी है, माया भी है, माया से बढ़िया मेकअप वेकअप करके सुंदर बन गई। उसे देवी यशोदा जी और रोहिणी जी देखती ही रह जाती है, कुछ बोल ही नहीं पाती। अब वह कृष्ण को लेकर के पैपान कराने लगे। कुछ कोई नहीं कह रहा है, लेकिन भगवान समझ गए। भगवान तुरंत अपने नेत्र बंद करके बड़े प्रेम से पूतना का पैपान करने लगे। वह विष लगा करके आई। भगवान को बड़ा क्रोध भी है कि मैं माखन मिश्री खाने के लिए ब्रज में आया हूँ, गोकुल में आया हूँ, और इसने मुझे विष खिलाने की कोशिश की। ये मुझे सबसे पहले विषय से स्वागत कर रही है मेरा। तो भगवान को बड़ा क्रोध भी आया। तो भगवान का जो क्रोध था वह पूतना का विष पीने लगा और भगवान पूतना के पैर को पीने लगे, फिर प्राण पीने लगे। भगवान प्राण जैसे पीते हैं, उसके प्राणों को खींचते हैं। वह चिल्लाती है, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। कन्हैया मन ही मन मुस्कुराए और कृष्ण ने कहा, अरे मैया, तू तो मेरे माँ के समान है। पैपान कौन कराता है, माँ कराती है। तू मेरे माँ के समान है और तू जानती है मैया कि कृष्ण को केवल पकड़ना आता है, छोड़ना नहीं आता है। पकड़ता कौन है, भगवान, और छोड़ता कौन है, जीव। परमात्मा एक बार पकड़ लेता तो फिर छोड़ता नहीं है, और जीव कई बार पकड़ता है, छोड़ देता है। छोड़ना जीव का काम है, परमात्मा का नहीं है। भगवान उसके प्राणों को खींचने लगे। वह चिल्लाती है, उसका भयंकर रूप प्रकट हुआ। कृष्ण जी उसको नहीं छोड़े, वह आकाश मार्ग से भागने की कोशिश की और जैसे बाहर निकली ब्रज के की, वहीं उसका गोविंदाय नमो नमः। उसकी आंखें फट गईं,
उसका मुंह खुल गया, अचेत होकर के धड़ाम से धरती पर गिरती है और वहीं उतना हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गई। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड तत् प्राणी समम रोष समन्वितो पिवत सामुंच मुंचाल मिति प्रभासुणी निस्पीड माना अखिल जीव मर्मणि। ध्यान रखिएगा, भगवान उस पूतना को कौन सी गति देते हैं? भगवान ने पूतना को मां की गति दी है। भले इसने मुझे शत्रु भाव से याद किया है, मुझे मारने की दृष्टि से पैपान कराया है, लेकिन ये मेरी माँ के समान है, इसलिए कृपालु दयालु भगवान उसे माँ के समान गति देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजा परीक्षित, अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघास्या पायदप्य साधवी लेभे गतिम धात्री उचिताम ततो वन्यम कंबा दयालु शरणम ब्रजेम। धन्य है प्रभु की दयालुता को कि उन्होंने माँ जैसे गति पूतना को भी दी। कंबा दयालु शरणम ब्रजेम, ऐसे दयालु परमात्मा को छोड़ करके जो अन्यत्र भटकता रहता है उसे जीव का कितना बड़ा दुर्भाग्य है। धन है भगवान ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरस को नाही, जो गति जोग विराग जतन कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी कहूं प्रभु न बहुत जिए जानी, ऐसो को उदार जग माही। ऐसा उदार स्वामी संसार में कौन है? जो गति बड़े बड़े सिद्ध महात्माओं को ज्ञानियों को दुर्लभ है, वह गति भगवान जटायु को देते हैं, वह गति भगवान सवरी को देते हैं, वह गति भगवान पूतना को देते हैं, मरीज को भगवान ने गति दी। ऐसा उदार संसार में कौन? ऐसी उदार परमात्मा को छोड़ना नहीं चाहिए, भजना चाहिए। तब लगे कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। जब तक जीव सारे विकारों को छोड़ करके ऐसे दयालु परमात्मा को नहीं भजता है, तब तक जीव को सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती है। कंबा दयालु शरणम ब्रजे, भगवान ने पूतना का वध किया। बड़ी गजब गजब भगवान की लीलाएं